बिहार में नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ बीजेपी के साथ मिलकर सरकार तो बना ली, लेकिन अपनी ही पार्टी के नेताओं को वह अब तक मना नहीं पाए हैं। नीतीश के फैसले से नाखुश जेडीयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव ने सोमवार को इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ते हुए पहली बार बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में जो कुछ हुआ वह उससे सहमत नहीं है और उन्हें गठबंधन टूटने का अफसोस है। शरद यादव ने कहा कि लोगों ने जनादेश बिहार के विकास के लिए दिया था, गठबंधन को तोड़कर नीतीश कुमार ने लोगों को धोखा दिया है। शरद यादव के बयान से जाहिर है कि वह अभी तक नाराज हैं और उन्हें मनाने की एनडीए नेताओं की कोशिश अभी तक नाकाम रही है। जेडीयू के अन्य नेता भी अभी तक खुलकर शरद यादव के खिलाफ कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हालांकि कुछ जेडीयू नेताओं का कहना है कि शरद यादव बीजेपी के समर्थन से ही राज्यसभा पहुंचे थे। शरद यादव ने रविवार को ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भ्रष्टाचार और काले धन के मुद्दे को लेकर निशाना साधा था। उन्होंने ट्वीट कर कहा था, विदेशों से काला धन वापस नहीं आया, जो सत्ताधारी पार्टी का एक मुख्य नारा था। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।